तो गाइस वेलकम है आज की इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं इस किया की हैचबैक के बारे में जिसका नाम है किया स्टोनिक। सो गाइस ये किया की एक बहुत ख़ास हैचबैक रहती है, एक बहुत ही ख़ास कलर के साथ। और ये इसका वेरिएंट जो है ये जीटी लाइन है, अपकमिंग इन इंडिया, क्योंकि किया की जो गाड़ी है अभी तक हैचबैक इंडिया में नहीं आई है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेज है कि ये गाड़ी जो है इंडिया में लॉन्च हो अपना हैचबैक सेगमेंट में। गाड़ी बहुत खास रहने वाली है, हैचबैक के अंदर आपको सनरूफ वगैरह, रूफ रेल्स वगैरह सारी कुछ चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जिसके बारे में आज ये वीडियो रहेगी। तो गाइस अगर मैं स्टार्ट करता हूँ फ्रंट से, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ गाड़ी ये पेट्रोल वेरिएंट में आती है गाइस, यहाँ पे 1 लीटर के इंजन के साथ, जो कि 1.0 DCT इंजन के साथ जो आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। फ्रंट से अगर मैं दिखाऊँ इसका डिज़ाइन, तो फ्रंट से आप इसका डिज़ाइन चेक कर सकते हैं कैसा डिज़ाइन है इसका। सामने आपको किया की जो न्यू वाली बैजिंग है वो देखने को मिल जाएगी। एक बहुत ही डिफरेंट टाइप की शेप आपको इसकी देखने को मिलने वाली है। इसकी फ्रंट ग्रिल की येलो कलर है, बहुत ब्राइट कलर है, तो ये भी एक बहुत आई कैची सा कलर है। इस गाड़ी का कलर ऑप्शन में अवेलेबल है। नीचे अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पर आपको नीचे इसमें फोग लैम्प्स देखने को मिल जाएंगे। इनफैक्ट जहाँ पियानो फिनिश है वहाँ पर फोग लैम्प्स नहीं है, नीचे आपको क्लाइडिंग के पास जो यहाँ पे फोग लैम्प्स देखने को मिलेंगे। ट्रायंगुलर डिज़ाइन की कुछ नीचे की आपको ग्रिल कंपनी प्रोवाइड कर रही है, ऊपर पियानो फिनिश, और साथ ही में आपके जो इसके हेडलैम्प्स हैं वो आप इसके चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहने वाले हैं। सो ये देखिए गाइस इसके हेडलैम्प्स, यहाँ पर ऊपर भी आपको इसमें DRLs जो हैं देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं इसकी साइड प्रोफाइल से, तो गाइस जो साइड प्रोफाइल अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आप इसकी क्लाइडिंग चेक कर सकते हैं। नीचे आपको चारों तरफ जो है ब्लैक कलर की क्लाइडिंग दी हुई है, बॉडी कलर येलो है और नीचे ब्लैक कलर की क्लाइडिंग है। फ्रंट में अगर मैं बात करता हूँ तो ये मशीन कट एलॉय आपको इसमें देखने को मिलेगा, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन के साथ। यहाँ पर अगर इसके प्रोफाइल की बात करता हूँ गाइस मैं, तो 205/55 R17 यानी 205/55 R17 का जो व्हील आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलने वाला है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका ORBM है वो आपको ब्लैक कलर का देखने को मिलेगा, जो कि येलो के साथ बहुत ज़्यादा बढ़िया सूट कर रहा है। ऑटोमेटिक है और यहाँ पे LED आपको यहाँ पर टर्न इंडिकेटर देखने को मिलेगा। रूफ रेल्स जो हैं वो सिल्वर कलर के हैं। गाड़ी के अंदर हैचबैक के अंदर सनरूफ इंक्लूडेड है, तो ये बहुत ही खास चीज़ रहने वाली है। जो गाड़ी की ओवरऑल लेंथ है वो भी बहुत बढ़िया है गाइस, यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह भी खास है। चारों में आपको जो है रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक्स जो है कंपनी ऑफर कर रही है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ से रियर से दिखाऊंगा इस यहाँ पे, तो यहाँ पर आप रियर में चेक कर सकते हैं, यहाँ पे स्टोनिक की बैजिंग हो रखी है। ये देखिए किया स्टोनिक GT लाइन, यानी इसका टॉप वेरिएंट रहता है ये। इसके अंदर 2-3 वेरिएंट आते हैं, जैसे GT लाइन है तो ये इसका टॉप वेरिएंट यहाँ पे रहेगा। उसके बाद अगर मैं दिखाऊंगा इस यहाँ पे, तो ये देखिए आप गाइस डमी एग्जॉस्ट यहाँ पे लगे हुए हैं। नीचे आपको सिल्वर कलर की क्लाइडिंग देखने को मिलेगी रियर बम्पर में, जो कि इसके लुक्स को और बढ़िया बना रही है। साथ ही में आपको यहाँ पर दोनों साइड बम्पर में रिफ्लेक्टर अटैच होते हुए दिख जाएंगे। रियर में अगर मैं दिखाऊँ तो रियर में आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है रियर वाइपर एंड ऑल डीफॉगर्स। अब बात करते हैं इंटीरियर से, तो गाइस बाहर से जितनी खास है उतने ही खास इसके इंटीरियर्स हैं। ओवरऑल आपको बाहर से कैसे लगी गाड़ी बताना ज़रूर कमेंट्स के अंदर। एंड ये चेक करो, ये देखिए ये इसकी रहती है लेफ्ट हैंड साइड की प्रोफाइल। तो बताना गाइस कमेंट्स में कि आपको ओवरऑल ये किया स्टोनिक जो हैचबैक है, जो अपकमिंग है इंडिया में, जब ये आएगी तो गाइस बहुत ज़्यादा गाड़ी चलने वाली है, क्योंकि गाड़ी नो डाउट बहुत खास है, रियर से भी फ्रंट से भी, लाइट्स वगैरह भी इसकी काफ़ी बढ़िया है। ओवरऑल लुक्स इसकी 10/10 मैं इसको दूंगा। गाइस अगर मैं इंटीरियर्स आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो ये कुछ इसके इंटीरियर्स रहते हैं यहाँ पे किया स्टोनिक के। आपको GT लाइन है तो फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलने वाला है। डोर की पैरेंट बात करूं तो ये कुछ इस टाइप के आपको डोर पैनल्स देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पे। क्विक वीडियो है तो गाइस मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना के आपको दिखा रहा हूँ। ये सीट्स चेक करें आप यहाँ पे, ये सीट्स आपको देखने को मिलने वाली है। आपको 8 इंच का टच स्क्रीन सेटअप देखने को मिलेगा, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स ये रहा। यहाँ पर गाइस जो है क्लाइमेट कंट्रोल आपका रहेगा, ऊपर रहने वाला है यहाँ पे सनरूफ गाइस। तो गाइस डैशबोर्ड वगैरह भी गाड़ी का खास है, यहाँ पर ये सनरूफ का ऑप्शन यहाँ है, ये पूरा सनरूफ यहाँ से खुल जाता है। गियर बॉक्स आप चेक कर ही सकते हैं, ग्लास होल्डर आपको दिया कंपनी ने। डिजिटल नहीं है इसमें MID गाइस, मैनुअल है टॉप वेरिएंट में भी। बीच में आपको थोड़ा सा जो है डिजिटल देखने को मिलने वाला है। क्रूज कंट्रोल वगैरह आपको यहाँ पर स्टेयरिंग व्हील पे देखने को मिल जाएंगे। एनीहाउ गाड़ी जो है काफ़ी बढ़िया है, कमेंट्स में बताना। और ये क्विक वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक्स अ लॉट गाइज़।